हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो हम वी लुकअप की जो हमारी प्रोजेक्ट सॉल्यूशन है उस पे हम आ चुके हैं। हमने पिछले वीडियो से बात किए थे कि मुझे यहाँ ऑटोमेटिक अटेंडेंस को फिल करना है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लगाता हूँ फॉर्मूला इफ का, कि इफ अगर ऊपर वाली वैल्यू, यहाँ पे इफ के साथ मुझे एंड और लगाना पड़ेगा, कि इफ और अगर ऊपर वाली वैल्यू इज सैटरडे अगर सैटरडे हो यहाँ पे कॉमा, और वापस मैंने इसको सेलेक्ट किया इक्वल टू संडे। सैटरडे संडे से कोई भी हो तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए वीक ऑफ, वीक ऑफ, अदरवाइज क्या आना चाहिए पी। पी आया, इसको भी हम चेंज करेंगे फिलहाल में। उसके बाद एक यहां पे एक और कंडीशन देते हैं, इफ इफ के अंदर अब मैं यहां इस डेट को यहां लुकअप एच के अंदर लुकअप करना चाहते हैं। जी हाँ, तो उसके लिए हम यहां देंगे फॉर्मूला काउंट इफ की, काउंट इफ, काउंट इफ में एच में गए हम इसको सेलेक्ट कर लिए कॉमा, वापस ऑटो अटेंडेंस में आते हैं और वापस इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कि अगर इसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कि इस दिन हॉलीडे था, और हमने यहां पे एंटर प्रेस कर दिया। तो हमने सैटरडे संडे एंड हॉलीडे दोनों को मैचअप कर लिया। फिर तीसरा है कि हमें फ्यूचर डेट का नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला कि इफ ऊपर वाली वैल्यू इज, यहाँ पे और लगा देते हैं, कि और ऊपर वाली वैल्यू जो है ग्रेटर देन टूडे से है, और ऊपर वाली वैल्यू इक्वल टू स्पेस है, अगर ऐसा होता है तो ब्लैंक दे दे, अदरवाइज जो चल रहा है उसको चलने दे। सॉरी, हमने यहां ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। पी आ गया। अब मैं यहां पे लगाऊंगा फॉर्मूला किसका, इफ एरर का, इफ एरर, और इफ एरर में दूंगा मैं वी लुकअप, और वी लुकअप में मैं आईडी के साथ कॉन्केट करूंगा किसको, डेट को, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा यहां लीव के अंदर में। अब लीव में तो कुछ बनाया ही नहीं, तो हम ये यहां पे ले लेते हैं 5,5,0, और यहां पे हम कॉमा कर देते हैं। यहां इनने आया, मैं समझ सकता हूं इनने आएगा, बट इनने क्यों आया इसमें, यहाँ इफ एरर करना, माफ कीजिए, यहाँ इफ एरर करना। पी आया। अब मैं लीव में आता हूं, यहां पे हमारा हो जाएगा आईडी, यहां हो जाएगा डेट, यहां हो जाएगा नेम, यहां हो जाएगा हमारा अटेंडेंस, और ए हो जाएगा हमारा आईडी प्लस डेट। तो यहां हम आईडी को डैश के साथ कनेक्ट कर देंगे डेट के साथ, और जितने भी अब्सेंट होंगे ना सब यहां ही लिखेंगे, और यहां हम वी लुकअप लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और जाते हैं ऑटो अटेंडेंस में और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा 2,0, प्रेस एंटर, और यहां भी इफ एरर लगा देता हूं मैं, इफ एरर अगर ब्लैंक आया तो यहां पे ब्लैंक हो जाए, और नीचे ड्रैग करने से पहले मुझे इसको करना होगा फ्रीज, इसको हमने सिलेक्ट करके फ्रीज कर दिया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, और इसको भी नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ आईडी नंबर 1, डेट मान लीजिए 1/12 को, 1 दिसंबर को, नेम आईडी नंबर 1 से, या नेम क्यों नहीं आया, अच्छा डेट पे नेम लग गया है, हाँ इसको सिलेक्ट करना है। पूजा, अटेंडेंस मान लीजिए लीव पे थी, तो यहाँ ऑटो अटेंडेंस के अंदर यहां अगर मैं 12 सेलेक्ट करता हूं दिसंबर,
तो देखिए यहाँ लीव आ गया। अब इसको आगे ड्रैग करना है तो करना होगा फ्रीज। A7 का A फ्रीज करना होगा, E6 का 6 फ्रीज करना होगा, और A तो पूरा फ्रीज करना ही है। उसके बाद में यहाँ E6 का 6, इसका भी 6, और A/A को फ्रीज करेंगे, ऑटो अटेंडेंस का 6, और फिर E5 का 5, और यहाँ भी E5 का 5 फ्रीज कर दिया। और फिर हम इसको सेलेक्ट करके नीचे आगे की तरफ एक सॉरी यहां तक ड्रैग करते हैं और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें। तो अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग गया। जो जिस दिन होली डे थी उस दिन का होली 5 दिसंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को होली डे था, तो होली डे आ गया। और यहां भी लीव था 1 तारीख को, दिसंबर होली डे है तो होली डे आ गया। लेकिन हमने लीव की एंट्री कर रखी है तो गलत दिखा रहा है, तो लीव की एंट्री हटा देंगे यहां से हम, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी होली डे आ गया। मान लीजिए 2 दिसंबर को हमारा कविता जो है छुट्टी पर थी, तो यहाँ हम जो है 2 देते हैं और यहाँ पे 2 दिसंबर डाल देते हैं, तो आप देखेंगे अटेंडेंस में 2 दिसंबर को यहाँ मोहन जो है वो छुट्टी पर थी या कविता छुट्टी पर थी। ये तो चलो ठीक है। अब यहाँ ये हमने बना लिया, हर महीने का अटेंडेंस मुझे ऑटोमेटिक लगा के दे देगा। अब बारी आती है इसकी काउंटिंग की, टोटल पी कितना बार है और बाकी चीजें कितना बार है वो काउंट करने का। तो यहाँ ऊपर में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्योंकि यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं यहाँ आता हूँ और दिसंबर के जगह पे फरवरी देता हूँ तो ये देखिए क्या होगा, पीपी आया। चल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां पे मैं ऊपर में आता हूं देता हूं कि इफ ईओ मंथ हमने सेलेक्ट किया कॉमा 0 एज, और यहाँ सॉरी हमने गलत दे दिया, हमें ये लेना 28 को सेलेक्ट करना, 28 इज ग्रेटर देन ई ओ मंथ या इक्वल सॉरी इक्वल टू ई ओ मंथ, तो यहाँ पे आना चाहिए टोटल पी, टोटल पी। अदरवाइज जो चल रहा है उसको चलने दो, फुल पी आ गया। अब इसमें एक और फॉर्मूला देना है कि इफ अगर सामने वाली वैल्यू ये जो ये सिलेक्ट किया, अगर ये इक्वल टू टोटल पी है तो यहां पे आ जाए टोटल वीक ऑफ, यहां पे सोच सिंपल सा वीक ऑफ करेंगे। जो चल रहा है उसको चल रहे, उसके बाद फिर वापस इसके आगे लगाते हैं, करते हैं कि इफ आगे वाली वैल्यू अगर इक्वल टू वीक ऑफ है ठीक ऑफ है तो यहां पे एच कर दो, बना जो चल रहा है उसको चल रहे। फिर यहां हमने कंडीशन रखा कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल टू एच है तो यहां पे लीव कर, तो चल रहा है चल। अच्छा इसमें हम टोटल पी वगैरह दिए ना वो गलत है, वो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे हम पी सिर्फ देते हैं।
फिर काउंट इफ में आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अब इसको आगे की तरफ ड्रैग, पी डब्ल्यू बी कॉफ एच ली, हाँ इसमें एक चीज छूट गया ना, एल के बाद टोटल पेबल डेज पी डी। इफ और ए हमारा इक्वल टू एल है तो यहाँ पे पी डी दीजिए, पेबल डेज। आ गया। ऊपर हम टेक्स्ट में यहाँ पे दे देते हैं कि इफ इज डेट, इज डेट नहीं इज नंबर ही कर देते हैं, इज नंबर वो तो टेक्स्ट चले, अदरवाइज ब्लैंक। आ गया। अब इससे क्या होगा कि अब मैं यहां सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे दिसंबर सेलेक्ट करता हूँ या फिर जनवरी सेलेक्ट करता हूँ, तो जनवरी सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे यहाँ पे कि 31 के बाद यहाँ पे पी, अच्छा इसमें आगे भी ड्रैग करना होगा, चार यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक है ऊपर की तरफ बढ़ते चला गया, तो ये हमेशा शिफ्ट होते रहे। अब यहां हम देते हैं इफ इज नंबर, यहां इसको सिलेक्ट करते हैं, इज नंबर इक्वल टू फॉल्स, अगर नंबर नहीं है तो यहां लगेगा काउंट इफ का फॉर्म, इसका काउंट इफ। अच्छा इसमें दो चीज है ना, पीडी भी तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि पीडी होगा तो पीडी के लिए हमें दूसरा कुछ देना है, तो यहाँ हम इज नंबर में यहाँ एंड लगाएंगे क्योंकि दो चीजें चाहिए ना हमें, एंड और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया। हाँ That is not equal to P D. Then हम यहां लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ, काउंट इफ में हम रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड तो यहां हमने जो है 29, 28 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, 28 से हम पूरा सिलेक्ट जो डेट है, और कॉमा इसमें कॉमा हम जो है ऊपर वाली जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमें E7 को करना होगा फ्रीज, बाकी को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन A6 इसको A6 फ्रीज करना पड़ेगा, यहां भी फ्रीज करना पड़ेगा और यहां भी फ्रीज करना पड़ेगा और यहां भी फ्रीज करना पड़ेगा। और उससे पहले एक और लगाना होगा इफ कंडीशन, तो लंबा होते जा रहा है लेकिन क्या करें, जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो इसी तरह का लंबे लंबे फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, कि अगर PD हुआ तो, अगर ये पीडी हुआ तो, पीडी हुआ तो हमें चार को करना पड़ेगा सम, 1, 2, 3, 4 हो, तो हम कर देते हैं पीडी हुआ तो इसको प्लस और इसको प्लस, बाकी जो चल रहा है वो चल रहा है, और इसको हमें A6 को फ्रीज करना होगा, बाकी को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है।
अब इसको हम यहां तक ड्रैग करते हैं। ओके, तो गलत हो गया। चौंतीस पेज का ओ, बाई मिस्टेक, बाई मिस्टेक। यहाँ जो हमने काउंटिंग का फॉर्मूला लगाया, इसका सेवन को फ्रीज नहीं करता, सिर्फ ई को फ्रीज करना, ताकि ई फिक्स है। नीचे ड्रैग होने में सेवन एट होना चाहिए था, इसलिए सबमिट करता हूँ। तो इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब बिल्कुल सही। अब यहाँ अगर मान लीजिए लीव मेल गया और मैं रवि, यहाँ पे रवि का अगर हम 6 तारीख को करते हैं लीव, 6 6 सिक्स हो करते हैं कि, तो यहां आप देखोगे लीव हो गया और इसकी काउंटिंग भी लीव में चली गई। देखना पी घट गया और लीव में चला गया, तो टोटल पे दे देंगे 33। अब पीक ऑफ तो देना ही, पीक ऑफ में टू मिनट से लीव ऑफ 2 मिनट जी। हाँ, बाकी दिन, बाकी सैटरडे को छुट्टी थी, इसलिए वीकेंड 2 ही दिन और 8 तारीख को ठीक है। इफ ऑफ सैटरडे E5 सैटरडे एंड E5 संडे, संडे को कंसिडर कर ले, सैटरडे कंसिडर, और फिर सैटरडे कंसिडर भी होती है, इसलिए तो केसेस से डिफरेंट नहीं होते। ओ, समझ गए क्या गलती है। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं इक्वल लगना चाहिए, लंबी नहीं है, और इसको सेलेक्ट करके ध्यान रखिएगा 29 तक ही इसको हम ड्रैग करें, 28 तक ही, सॉरी। ऐसा इसलिए क्योंकि 29 से हमारा फॉर्मूला अलग है, 29 को जो देख पा रहे हैं 29 30 का फॉर्मूला हमारा अलग है। अगर हम उसको ड्रैग कर दिया तो दिक्कत होगी, तो ड्रैग करते समय इसका ख्याल रखना होगा क्योंकि 29 से फॉर्मूला हमारा चेंज है। अब सही है 5 दिन। तो ये ऑटोमेटिक अटेंडेंस का सिस्टम हमारा परफेक्टली वर्क कर गया। अब मैं इसको जिस महीने का डालूंगा उस महीने का रिपोर्ट डेटा आ जाएगा, और सितंबर डालो सितंबर का आ जाएगा, 30 31 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑटोमेटिकली ये जो है आपके सामने डेटा दिख गया। अब इसी के भी आप पे आगे हम सैलरी वगैरह की भी प्रोसीजर कर सकते हैं, वो आगे क्लास में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।